हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। चीन के लोग अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। लड़कियों की संख्या घटने के साथ ही वहां के ज्यादातर पुरुष बूढ़े हो रहे हैं। ऐसे में खुद को एकाकी महसूस करने वाले लोगों के लिए वहां सेक्स डॉल्स बनाई गई हैं। ये सेक्स डॉल्स न सिर्फ लोगों के साथ बात करती है बल्कि उनसे प्यार भी करती है। चीन जापान के बाद दूसरा देश है जहां के पुरुष सेक्स डॉल्स में प्यार खोज रहे हैं। चीन के लोग अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। लड़कियों की संख्या घटने के साथ ही वहां के ज्यादातर पुरुष बूढ़े हो रहे हैं। ऐसे में खुद को एकाकी महसूस करने वाले लोगों के लिए वहां सेक्स डॉल्स बनाई गई हैं। ये सेक्स डॉल्स न सिर्फ लोगों के साथ बात करती है बल्कि उनसे प्यार भी करती है। चीन जापान के बाद दूसरा देश है जहां के पुरुष सेक्स डॉल्स में प्यार खोज रहे हैं। इन टॉकिंग सेक्स डॉल्स को चीन के उत्तरी पोर्ट के शहर डालियान में स्थित एक कंपनी ने बनाया है। ये सेक्स डॉल अपना नाम भी बताती हैं और पूछने वाले से खुद को बेबी कहने के लिए कहती हैं। इन टॉकिंग सेक्स डॉल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चीन में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की संख्या है। पूर्व की वन चाइल्ड पॉलिसी ने चीन में लड़कियों और लड़कों के बीच आबादी गैप को काफी बढ़ा दिया है। कंपनी का कहना है कि इन टॉकिंग सेक्स डॉल्स की वजह से चीन की बढ़ती सामाजिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वो शिंगलियांग के मुताबिक इन डॉल्स को खरीदने वालों में जवान, बुजुर्ग और यहां तक कि शादीशुदा पुरुष भी शामिल हैं। उनका कहना है कि ये डॉल्स लोगों के साथ बातचीत करती हैं, उनके मेडिकल असिस्टेंट की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। इन टॉकिंग डॉल्स को लोग अपने साथ शॉपिंग भी ले जा सकते हैं। इन डॉल्स में वाईफाई फंक्शन लगा है जिसे कस्टमर्स अपने आईफोन के सीरी ऑप्शन से भी संचालित कर सकते हैं। ये डॉल्स कस्टमर्स के वॉयस कमांड का भी जवाब देती हैं। ये टॉकिंग सेक्स डॉल काफी महंगी हैं। इनकी कीमत 2.5 लाख रुपए के करीब है। कंपनी का कहना है कि अगले साल तक इन टॉकिंग सेक्स डॉल में और एडवांस फीचर्स जोड़े जाएंगे। इन डॉल्स को EXDOLL कंपनी बना रही है। चीन की तरह ही जापान में भी सेक्स डॉल्स बूढ़े और अकेले लोगों की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण प्यार बन रही हैं। वहां के लोग भी सेक्स डॉल को अपने साथ बाजार ले जाते हैं, उनके साथ डेट तक करते हैं।